भारत और हिंदुओं का साथ देती हो। अब बांग्लादेशी लोग भी ये सोचते होंगे कि इससे अच्छा तो वो पाकिस्तान के साथ ही रहते, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों के हक में आवाज तो बुलंद करता है। इस हमले की वजह आपको बता दें तो यकीनन आप भी कहेंगे कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। ভিডিও রিসার্চের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। দর্শক, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কথা তো সকলেরই জানা। তখন হিন্দু মুসলিম একত্রে আন্দোলন করে তাদেরকে এই উপমহাদেশ থেকে বিদায় করা হয়। তখন মুহাম্মদ আলী জিন্না সহ আরও বড় বড় কিছু নেতারা মনে করলেন একত্রে হিন্দু মুসলিম কখনো থাকা সম্ভব নয়, হিন্দুরা মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। পরে 1947 সালে বাংলাদেশের তৈরি মুসলিম লীগের হাত ধরেই পাকিস্তান স্বাধীন হয়। তার পরের ঘটনা তো সকলেরই জানা। ওই পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের হিন্দু মুসলিম সকলের উপর অমানুষিক বৈষম্য ও নির্যাতন চালায়। এই নির্যাতন তো সহজে ভুলার নয়। মূল কথায় আসি। প্রথমে ঘটনার সূত্রপাত ঘটে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে মূর্তির পায়ে যখন পবিত্র কোরআন মাজিদ রাখা হয় তখন বাংলাদেশের কিছু মানুষ সন্দেহভাজন পুরোহিতকে মেরে ফেলে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের অনেক নিরীহ নিরপরাধ হিন্দুদের উপর জঘন্য অত্যাচার চালায়। চলুন দর্শক, দেখে আসি পাকিস্তান এই নির্যাতন সম্পর্কে কি বলছে। तुम भारत और हिंदुओं का साथ देती हो। अब बांग्लादेशी लोग भी ये सोचते होंगे कि इससे अच्छा तो वो पाकिस्तान के साथ ही रहते, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों के हक में आवाज तो बुलंद करता है। लेकिन हसीना वाजिद तो मुसलमानों को ही गलत कह रही हैं, जिसके बाद बांग्लादेश में बहुत मुजाहरे किए जा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, और हुकूमत को प्रो इंडिया और प्रो हिंदू कहा जा रहा है। सबके अंदर आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान टूटा था, जब सकूते ढाका हुआ था, उस वक्त की जो भारत की वजीर आजम थी उसने कहा था कि मैंने आज बड़े सगीर पाक हिंद से दो कौमी नजरिया दफन कर दिया है। लेकिन आज बांग्लादेश के अंदर एक मरतबा फिर दो कौमी नजरिया जो है वो सामने आ चुका है, और शेख हसीना और नरेंद्र मोदी जो हैं उनके सामने आ चुका है ये पूरे का पूरा मामला, और उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त हिंदू मुस्लिम फसादात जो हैं उन्होंने आग लगा के रखी हुई है, और अब उस आग की हिद्दत और उस आग की तपिश जो है वो भारत के अंदर भी महसूस की जा रही है। ढाका से 100 किलोमीटर दूर एक मंदिर में हिंदू दुर्गा पूजा की सेलिब्रेशन कर रहे थे। इस पूजा में हिंदुओं ने कुरान पाक को, जो खुदा उनके हैं जिनको वो पूजते हैं, उनके पाँव पे रख दिया, जिस बात का इल्म मुसलमानों को हुआ, और उन्होंने मंदिर में हमला कर दिया। इस आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं, जो कि डॉन का आर्टिकल है। अब देखें, हिंदुओं को बांग्लादेश में पूरी आज़ादी हासिल है, लेकिन जब ये लोग इस्लाम मजहब की तौहीन करते हैं और कुरान पाक की ऐसे बेहरमती करेंगे तो रिएक्शन तो आएगा। इस हमले की वजह आपको बता दें तो यकीनन आप भी कहेंगे कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसके अंदर एक फैक्टर आप नहीं भूल सकते, वो फैक्टर है वो टू नेशन थ्योरी जिसको हम कहते हैं, दो कौमी नजरिया जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना। और वही बात अब बांग्लादेश भले ही पाकिस्तान से अलग हुआ, लेकिन वो बांग्लादेश भी आज हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ लड़ रहा है। किस बात के ऊपर? बात सारी की सारी उसी नजरिए के ऊपर है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। हमारी ये दुआ है कि ये वायलेंस जल्द अज जल्द खत्म हो। वायलेंस कहीं पर इज नॉट एन ऑप्शन। कुरान पाक की बेहुर्मती की गई, यकीन माने जितने बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों का दिल दुखा होगा उससे कम नहीं, तो उससे ज्यादा भी, उससे बल्कि इतना दिल दुखा है कि मैं ये अल्फाज पता नहीं किस तरह बोले। দর্শক, এই ভিডিও শেষে আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই, এই বাংলায় হাজার বছর ধরে হিন্দু মুসলিমরা একত্রে বসবাস করে আসছে, বাংলায় কেউ কাউকে আক্রমণ করেনি। পাকিস্তানকে আমরা বলতে চাই, বাংলা যতটুকু মুসলমানদের অধিকার ঠিক ততটুকুই হিন্দুদেরও অধিকার। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, যে কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কাছে সংখ্যালঘু অমুসলিমরা আমানত স্বরূপ। প্রকৃত মুসলমান কখনো নিরপরাধ হিন্দুদের উপর আক্রমণ করতে পারে না। যারা ইচ্ছা করে এই নিরীহ হিন্দুদেরকে টার্গেট করে অত্যাচার করেছে তাদেরকে অবিলম্বে ধরে ধরে শাস্তি দেওয়া হোক। এই বলে আমার ভিডিওটি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।